Hello guys, how are you? Today we are doing question number 4, exercises also 5.4, and chapter is arithmetic progression. And this question is thoda goal. Do you understand means of goal? मतलब इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहले तो क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से. द हाउसेज ऑफ द रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. ठीक है, जो वन नंबर हाउस है रो जैसा है वैसे ही उसको नंबर दे के रखे हैं. मीन्स जो फर्स्ट हाउस है उसका नंबर 1 है, सेकेंड हाउस 2, ऐसे ही तो होता है ना नंबर, है ना. आपकी कॉलोनी में जो सबसे पहले मकान बनेगा उसको नंबर क्या देंगे, 1, हाउस नंबर 1. सेकेंड जो मकान बनेगा उसका हाउस नंबर 2. ओके, दैट सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट. फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए पहले क्या है एक्चुअली, कि ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास हाउसेस बने, छोटी छोटी सुंदर सुंदर हाउसेस. ठीक है, ये एक हाउस है, ये दो हाउसेस. ठीक है, और यहाँ बहुत सारे यहाँ पर 49 हाउसेस हैं. ठीक, तो ये जो पहला नंबर हाउस, पहले सबसे पहला हाउस है उसको बोला हाउस नंबर 1, फिर हाउस नंबर 2, यहाँ पे जाके हाउस नंबर 49. ठीक है, ऐसे हाउसेस हैं. मतलब एक चीज़ यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रही है. एपी कौन सी फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1. ठीक, और लास्ट टर्म क्या होगा, 49. और एन नंबर ऑफ टर्म्स भी कितना होगा, 49. ये जस्ट लाइक क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर्स, है ना, जो सम ऑफ द फर्स्ट है 1 से लेके 100 में एन तक का, एन की वैल्यू भी 100 होगी और एन की वैल्यू भी 100 होगी. होगी ना, हाँ राइट. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है और क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाई देयर, यहाँ पे एक कोई वैल्यू है एक्स, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रैंडमली एक एक्स वैल्यू, कोई ना कोई एक यहाँ पे एक्स वैल्यू होगी, जिसके लिए एक कंडीशन दी है कि इसके पहले जो हाउस आएगा, इसके पहले भी बहुत सारे हाउस हैं भाई. ठीक है, बहुत सारे हाउसेज हैं, 2 3 नहीं, ऐसे समझना जो भी है. ठीक है, तो इसके पहले ये जो हाउस आएगा ना, जिसका नंबरिंग क्या होगा, एक्स माइनस, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको, है थोड़ा समझ में आएगा आपको. ठीक, तो यहाँ से हमारे जो नंबर आ रहे थे ना, 1 2 3, ये 1 और ये 2, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ का जो हाउस होगा वो होगा एक्स माइनस 1. ठीक है, और उसके बाद जो हाउस आएगा उसका वैल्यू क्या होगी, इसके बाद जो उसकी नंबरिंग क्या होगी, वो होगी एक्स प्लस 1. होगी ना, x के पहले जो हाउस होगा वो क्या होगा, x माइनस 1, और x के बाद जो होगा वो होगा x प्लस 1. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई x की वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये जो इतने हाउसेस हैं, कौन से x माइनस 1 तक का अगर आप सम करो, 1 से लेके x माइनस 1 तक का अगर आप सम करो, और उस वैल्यू x के बाद के जितने भी हाउसेज हैं, यानी x प्लस 1 से लेके 49 तक के हाउसेज हैं, इन दोनों का सम इक्वल होगा. बात समझ में आई ना, x के पहले जितने हाउसेज हैं और x के बाद जितने हाउसेज हैं उनका सम इक्वल होगा. ठीक है, तो वो x हमें फाइंड करना है कि वो x की वैल्यू आखिर होगी क्या. ठीक है, तो फाइंड करें x की वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं हम कैसे देखेंगे. लेकिन बड़ा क्रिटिकल सा है ना, नहीं है यार, हम लोग मतलब बड़े वाले हैं, बड़े से बड़े को भी छोटा कर देते हैं. देखो सिंपल सी चीज़, इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, सम ऑफ 1 to x-1 is equal to sum of x
प्लस 1 टू 49 टर्म्स था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो ये वाला सम है ना, कौन सा x प्लस 1 से लेके 49 तक, ये सबको तो आप लिख सकते हो x सम ऑफ x माइनस 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक चीज़ देखो, मैंने कहा यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो और nth टर्म वो भी इक्वल होगी। अब अगर हम जैसे s 9 है, ठीक है, तो इस जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम है कितना होगा, s 49 होगा ना, क्लियर। 1 से लेके 49 तक का सम s 49 है, तो s 49 में से s x तक का जो सम है वो घटा दें इतना, तो ये कितना किसका सम आएगा, x x प्लस 1 से लेके x 49 तक का सम आएगा। समझ आ रहा ना आपको, ठीक है। x जैसे है ना, आप टर्म ले लो कि हमने कहा कि x 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टर्म्स है। अब आपसे कहा जाए कि x ये 4 और 5 का सम कितना होगा, 4 और 5 का सम कितना होगा, तो अगर ये आप 1 2 3 4 5 का सम में से, टोटल सम में से अगर आप 1 2 3 का सम माइनस कर दें तो ये 4 और 5 का सम निकलेगा। देखो चेक कर लेते हैं, ये तो जनरली ऐसे ही हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 एंड से 10 प्लस 5 15, ठीक है, तो 15 ये टोटल सम है, ठीक है। और आप 1 2 3 का सम कितना होगा, दैट इज 1 2 3 मींस 6, ठीक है, और 6 15 में से अगर आप 6 माइनस कर देते हो तो क्या आएगा आंसर, 9, यानी 4 और 5 का सम कितना हुआ, 4 और 5 का सम 9, क्लियर। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि जो x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम है वो क्या होगा, 1 से लेके x तक का सम अगर हम टोटल सम में से माइनस कर दें तो वो आएगा एज ये x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम, क्लियर, क्लियर ना अभी, ओके चलो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दस s 49 माइनस, यानी पूरी टर्म्स का सम माइनस s x तक का सम, ठीक है। ये बात समझ में अगर आपको आ गई तो मतलब क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप आई क्या, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले थे, कौन से एस एन के लिए, एक हमने हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 फोर से लेके 49 तक है, ठीक है। तो इससे जैसे आप एस एक्स माइनस 1 के लिए लें, तो इसमें मैंने बताया था कि जो टर्म है, ठीक, यहाँ पे एक्स माइनस 1 के बीच में आता है अगर यहाँ पे, तो यहाँ की फर्स्ट टर्म 1 होगी और लास्ट टर्म एक्स माइनस 1 होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स भी एन भी एक्स माइनस 1 होगा, होगा ना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में 1 ही है। पर मोस्ट इजी, ठीक है, सबसे इजी एक फॉर्मूला जो आप बहुत कम यूज़ करते हो सही, लेकिन आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, उसका यूटिलाइज करो, यहाँ पे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स। देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, 1 2 3 4 एंड 5, है ना, इनका जो ये क्या है, फर्स्ट एन इंटीजर्स है, आप कहीं तक ले सकते हो, एन अगर चाहे तो 100 भी कर सकते हो, जैसे फिलहाल हम 5 तक का देख रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट। अभी हमने इनका सम करके देखा था 15 था, अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, एन कितना है 5, ठीक है, एन प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 30 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 50, क्लियर। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप x प्लस x माइनस 1 के लिए यूज़ करोगे, तो x माइनस 1 के लिए n इक्वल क्या होगा, बाय यहाँ पे ये लिखो वी नो क्या, सम ऑफ
first n integer क्या होगा? That is equal to n n plus 1 upon 2. So इसके लिए क्या होगा? n is equal to x minus 1. Then x minus 1 plus 1 upon 2, right? सेम 49 के लिए भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि सब में स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से लेके कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई नंबर मिसिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 मिसिंग नहीं है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, 1 से स्टार्ट हो इंटीजर्स पॉजिटिव, ऐसे 1 से मतलब फर्स्ट इंटीजर्स बोलते हैं ना, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स किस्म के लिए ये. तो आप देखो इसमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 2 x माइनस 1 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 अप टू 49 है. तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 49 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, x x प्लस 1 अपॉन 2. क्लियर है ना? अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 क्रॉस हो जाएंगे. ठीक है, और आगे सॉल्व कर लें तो ये होगा x माइनस 1 प्लस 1 है, माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा x इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस क्या होगा, x x प्लस 1. ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू नो माइनस x इस माइनस x इज इक्वल टू 49 में 50 का मल्टीप्लाई करिए, करो भाई, तो 5 4 20 plus 4 24. ओके, माइनस x स्क्वायर ये माइनस होगा और माइनस x, क्लियर? तो हम x स्क्वायर माइनस x को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2450. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, सो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450. ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अपॉन 2, इसको और क्रॉस कर लीजिए, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 and 2 and 5 है ना, आया ना, सो 1225. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1225. तो निकालो 1225 किसका रूट है भाई, 1 3 से 3 3 9 रिमेनिंग रहेगा क्या, यहाँ भी 3 6 3 2 5. ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आएगा इक्वल ये 5. ठीक है, 5 5 5 25 5 6 30 and 32 क्रॉस हो गया, मीन्स 35. आती है ये मेथड स्क्वायर रूट की, हाँ यस आर नो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आती तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में आप बताओ, अगर नहीं आती तो मैं आपको ये मेथड आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी, है ना, बहुत सारे मेथड एक्सप्लेन करेंगी मैं आपके लिए, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अगर आप ट्रिक्स करना चाहते तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपको मैथ्स की बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊँगी. सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 35, तो माइनस 35 तो हम लेंगे नहीं, नंबर ये एक्स की वैल्यू, सो नंबर ऑफ हाउस, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सो एक्स इज इक्वल टू 35. इज इट क्लियर, एक्स की वैल्यू. तो अब आपको क्या करना है, 35 के पहले कितने नंबर आते हैं, 1 से लेके 34 का सम करो, और 35 के बाद कितना, कहाँ से
36 से लेके 49 तक का सम करो और देखो वो इक्वल आता है कि नहीं। हमने यही कंडीशन लगाई है ना, यही कंडीशन सम ऑफ 1 टू लेके एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 1 एंड सम ऑफ एक्स प्लस 1 टू 49। तो चेक करिए अभी आप कि सम ऑफ 1 टू 34, ठीक है, देन 36 टू 49 ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इसी में वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 35 और एक्स माइनस वन की 34 और सेम फार्मूला जो मैंने आपके लिए बताया ना, ये इसमें वैल्यू पुट करके देखना इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, बताओगे ना, और वीडियो को लाइक भी करेंगे ना, सब्सक्राइब भी नहीं किया है अभी तक वो भी कर लो ताकि जल्दी फटाफट आपको पता चलते जाए कि वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। चलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।